मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बीकानेर दौरा है। आज दोपहर में दिल्ली से रवाना होंगे सीएम भजन लाल शर्मा। नोखा के मुलवा सिल्वा गांव पहुंचेंगे सीएम। नव निर्मित संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम के बाद शाम को जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो कल क्योंकि पहले नीति आयोग की बैठक थी और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जो आज सुबह तक भी अभी तक भी कंटिन्यू जारी है और उसके बाद दिल्ली से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीकानेर पहुंचेंगे जहां संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे और फिर नोखा के मुलवा सिल्वा गांव पहुंचेंगे जहां नवनिर्मित संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। फिर कार्यक्रम के बाद शाम को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। तो अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पवन गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और चिकित्सालय का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर है। तो जानकारी आपको देंगे, लेकिन बता दें कि दोपहर में दिल्ली से रवाना होने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। नोखा के मुलवा सिल्वा गांव पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और यहां नव निर्मित संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम के बाद शाम को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। दोपहर में दिल्ली से बीकानेर पहुंचेंगे। नोखा के मुलवा सिल्वा गांव में एक कार्यक्रम है जहां संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। तो सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, चिकित्सालय का लोकार्पण कार्यक्रम होगा, क्या अपडेट? जी बता दूं मनीषा, नोखा के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बीकानेर दौरा है तो वही नोखा के सीलवा गांव के अंदर संत दुलाराम सुलेजा राजकीय अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। जी, तो ये अस्पताल करीब 15 करोड़ की लागत से बना है राजकीय अस्पताल। 50,000 से ज्यादा मरीजों को मिलेगा इलाज की सुविधा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे मौजूद, तो वही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह सिंह भी करेंगे शिरकत। और बामा साहब नसीब कुलिया द्वारा इस अस्पताल का निर्माण करवाया गया है और आसपास के गांवों को इस अस्पताल के माध्यम से फ्री में इलाज मिलेगा, मुफ्त में सुविधा मिलेगी जिनको नोखा राजकीय अस्पताल में आने पर काफी समय लगता था। जी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा? जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि में पूर्व विधायक नोखा के बिहारी लाल विष्णु है, वर्तमान विधायक सुशीला डूबी है कांग्रेस से, वो भी मौजूद रहेगी, और बीकानेर से कॉलेज विधायक अंशुमान सिंह भाटी है, और बीकानेर पूर्व से अपने सिद्धि कुमारी है, और बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास है। कई दिग्गज नेता यहाँ पर शिरकत करेंगे। जी पवन, ये बताएं कि कार्यक्रम का क्या कुछ समय रखा गया है, क्योंकि फिलहाल तो बैठक चल रही है दिल्ली में, उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, तो क्या कोई निश्चित समय निर्धारित है? जी, निश्चित समय की अगर बात की जाए तो करीब करीब 4:30 से 5 बजे के आसपास का कार्यक्रम निर्धारित समय कह रहे हैं। 5 बजे मुख्यमंत्री इनके सिल्वा गांव के अंदर हेलीपैड के अंदर हेलीपैड पर लैंड करेंगे, उसके पश्चात राजकीय अस्पताल जाएंगे, वहां से जो राजकीय अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के बाद में एक पंडाल बनाया गया है जहां पर 25,000 से ज्यादा व्यक्ति बैठने की सुविधा है, वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। क्या तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है? तमाम प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर हैं? जी, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन चप्पे पर तैनात है, हेलीपैड पर पुलिस व्यवस्थाएं भी की गई है, मेडिकल व्यवस्थाएं भी की गई है, तो वहीं राज्य चिकित्सा अस्पताल के आसपास भी बीकानेर से जिला कलेक्टर महोदय है, कई दिग्गज प्रशासनिक अधिकारी, नोखा से एसडीएम गोपाल जांगीर साहब है वो भी, और थाना अधिकारी सहित कई आस पास के थाना अधिकारी भी लगे हैं और चप्पे पर छूट छाटे पुख्ते इंतजाम है। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बीकानेर दौरा आज है।
दिल्ली से जब बीकानेर पहुंचेंगे तो नोखा के मुलवास सिल्वा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां नव निर्मित संत दुलाराम राजकीय चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और उसके बाद कार्यक्रम के बाद शाम देर शाम तक उनका जयपुर वापसी का कार्यक्रम है।